अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्जाम फोकस पॉइंट में आज हम बात करते हैं लॉगरिथम के हवाले से। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहां पर आप देखें हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाई यूजिंग लॉगरिथम। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 57.86 मल्टीप्लाई बाई 4.385। अच्छा जी, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर आके अपने सॉल्यूशन लिखना है। और सॉल्यूशन लिखने के बाद आपका स्टेप नंबर 1 जो है, स्टेप नंबर 1 में आपने करना है लेट सपोज स्टेप 1 में x इक्वल टू यही वैल्यू आपने वापस यहाँ पर 57.86 और मल्टीप्लाई बाय 4.385। अच्छा जी, स्टेप 1 में आपने यहाँ पर एज इट इज़ वो क्वेश्चन आपने रख दिए। अच्छा, उससे आके अब स्टेप 2 में हम चलेंगे। तो स्टेप 2 में आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है अप्लाई। अच्छा जी, यहाँ पर लिखना है अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, राइट। अच्छा जी, जब आपने यहाँ पर लिख दिया अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ये एक्स आ गया। अच्छा जी, यहाँ पर आप लिखेंगे लॉग, राइट, लॉग 57.86 और मल्टीप्लाई बाय 4.385। अच्छा जी, जब बोथ साइड आपने लॉगरिथम अप्लाई कर दिया, तो उसके बाद आपने आगे चलना है स्टेप नंबर 3 में। और अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर लिखना है लॉग एक्स। अच्छा, लॉग एक्स लिखे और आपने इक्वल डाला, इक्वल डालकर आपने लिखना है लॉग 5.786, राइट। अच्छा, अब लॉग की जो रूल है, हमारे पास एक लॉग का रूल होता है, जहाँ मल्टीप्लाई होगा वहाँ आपने प्लस कर लेना है। अच्छा, वो जैसे आपने यहाँ पर आप देखें ये लॉग एम और एन, तो यहाँ पर ये देखें एम और एन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको आपने क्या करना है, लॉग एम जो है प्लस होगा लॉग एन के साथ, राइट। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई को तोड़कर आपने प्लस में कर लेना है, इस साइन को आपने प्लस में लिख लेना है। तो लॉग 57.86 प्लस, राइट। तो आगे क्या करना है, फिर आपने लिखना है यहाँ पर लॉग 4.385, राइट। यहाँ पर इस तरह आ गया। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर को उठाना है और कैलकुलेटर को उठा के आपने सबसे पहले लॉग प्रेस करना है। लॉग प्रेस करके 57.86 जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा लॉग, यहाँ पर ये आपने लिखा और आपके पास आंसर आ जाएगा 1.7627, राइट। उसके बाद प्लस की जगह आपने प्लस दे देना है और फिर उसी तरह फिर लॉग प्रेस करें और 4.385 उसमें आपने पुट करना है और देन आपके पास आंसर आ जाएगा 0.64196, राइट। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है, ये यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर इस वैल्यू में एंड वाला डिजिट 4 से बड़ा हो तो आपने क्या करना है, 7 से अगले जो डिजिट होगा, जो एंड वाले से अगला डिजिट होगा, उसमें 8 प्लस कर ले, आपने 1 प्लस कर लेना है। तो कैसे, 1.762। अच्छा, यहाँ पर एंड में 4 से बड़ा डिजिट, तो आपने इसके बदले इसमें एक ऐड कर लेना है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 4, राइट, ये प्लस कर लें। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर भी आप देखें ये 4 से 6 बड़ा है, तो आपने क्या करना है, इसके बदले आपने 19 में एक ऐड कर लें, तो आपके पास जवाब आ जाएगा 0.6420, राइट। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इन दोनों को आपने प्लस कर लेना है, प्लस करेंगे तो आपके पास जो जवाब आएगा लॉग एक्स
और 2.4044। अच्छा, अब आपने मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से आपने देखा है कि जब भी अगर प्लस की साइन इक्वल के उस तरफ जाएगी तो माइनस की हो जाती है, तो इसी तरह आपने लॉग में भी, लॉग यहाँ पर एक्स अपनी जगह पे रहेगा, लॉग अगर अपनी जगह इक्वल के उस तरफ जाएगा, अगर लॉग इक्वल के उस तरफ जाएगा तो ये आपका बन जाएगा एंटी लॉग, राइट। एंटी लॉग 2.4044। अच्छा जी, ये लॉग इस तरफ आ गया तो ये एंटी लॉग बन गया 2.4044। अच्छा, अब बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको एंटी लॉग निकालना नहीं आता, तो आपने क्या करना है, कैलकुलेटर में जाना है और वहाँ पर शिफ्ट शिफ्ट को प्रेस करेंगे। जैसे शिफ्ट को प्रेस करेंगे, शिफ्ट को प्रेस करने के बाद आपने लॉग को प्रेस करना है, और लॉग को प्रेस करने के लिए जैसे लॉग को प्रेस करेंगे तो आपके पास 10 लिखा हुआ आएगा। उसमें आपने क्या करना है, 2.4044 की वैल्यू पुट करनी है और आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 253.7465, राइट। ये आपका आंसर। फ्रेंड्स, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें।